गुजरात विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में जमकर हाथापाई हुई। कांग्रेस विधायक प्रताप धुधार्क ने बीजेपी के जगदीश पंचाल को सदन में थप्पड़ मार दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर की पिटाई कर दी। सदन के भीतर रेप आरोपी आसाराम पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक इस पर सत्ता पक्ष से अतिरिक्त सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। इस बीच प्रश्नकाल समाप्त हो गया और कांग्रेस विधायक अपना आपा खो बैठे। उन्होंने सदन में अपनी कुर्सी छोड़ माइक और बेल्ट से बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।